Hello everyone, welcome to Python programming. So in this video we are going to discuss data types in Python. और हम data type को क्यों use करते हैं, data types होते क्या हैं और इसको किस तरीके से use करते हैं हमने Python program में. तो देखिए data types को पहले discuss कर लेते हैं, हम use क्यों करते हैं. What are the use of data type, मतलब data का type define करने की जरूरत क्या है. ठीक है, तो इसको discuss कर लेते हैं पहले. ले देखते हैं. Okay, now you can see इस line को आप देखिए. डेटा टाइप स्पेसिफाइज विच टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन स्टोर, मतलब क्या है, ये बताता है आपको डेटा का टाइप की किस टाइप की वैल्यू आपका पर्टिकुलर टाइप का वेरिएबल स्टोर करने वाला है. हम क्या करते हैं कि वैल्यू स्टोर कर देते हैं किसी वेरिएबल में, तो इससे पहले हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर हो. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ यहाँ पे आपको. चलिए देखिए, यहाँ पे जैसे मैं वेरिएबल लिखता हूँ इक्वल 10, तो इसका डेटा टाइप मैंने क्लियर नहीं किया अभी. इसके बाद में लिखता हूं मैं b इक्वल 10.5, तो इसमें भी देखिए मैंने डेटा टाइप मेंशन नहीं किया कि डेटा टाइप क्या है, बस मैंने वैल्यू को पास कर दिया है. उसमें फर्स्ट वाले में a में इंटीजर टाइप की वैल्यू है, सेकंड में फ्लोट टाइप की. अब देखिए एक वेरिएबल और बनाता हूं मैं, c टाइप का मैं वेरिएबल बनाता हूं और इसमें यूजर से इनपुट लेता हूं. यहां पे यूजर से इनपुट एंटर करवाता हूं मैं इसमें कि मुझे किस टाइप का डेटा एंटर करना है. तो मैं यहां पे डेटा टाइप डिक्लेयर करूंगा, डेटा का टाइप बताऊंगा कि किस टाइप का डेटा स्टोर हुआ. मैं बता रहा हूँ इन टाइप का डेटा स्टोर हो. अब देखिए मैं यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट लगा रहा हूँ. इनपुट स्टेटमेंट के बारे में हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं किस तरीके से इनपुट लेते हैं यूजर से. ठीक है, तो चेक करते हैं. यहाँ पे मैंने लिखा सी इक्वल इंट, तो इंट का मतलब इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर होगा इसमें. अब मैं यहाँ मैसेज पास कर देता हूँ, एंटर एनी नंबर. तो यहाँ पे मैंने मैसेज पास कर दिया ये. अब देखिए क्या होगा इसमें, जैसे ये चलेगा प्रोग्राम, तो इसमें क्या होगा, सी वाले वेरिएबल में क्या होगा, यूजर को मेंशन कर दिया गया कि डेटा टाइप क्या है हमारा, इंट टाइप का डेटा है. जब भी वो एंटर करेगा इसमें, तो जो भी चीज एंटर करेगा वो जब फ्लोट में करेगा वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा. ऑटोमेटिक क्या होगा, वो इंटीजर टाइप का ही डेटा स्टोर होगा. किसी भी टाइप की वैल्यू करे वो इंटीजर टाइप का ही एक्सेप्ट करेगा. तो डेटा टाइप क्या करते हैं आपका, बताते हैं किस टाइप की वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी. ये सिर्फ डेटा का टाइप डिफाइन करते हैं. आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी. अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन दो केस में देखिए मैंने क्या करा. इन दो केस में मैंने डेटा का टाइप डिफाइन नहीं किया था और मैंने यहाँ पे वेरिएबल में वैल्यू दे दी, एक में इंट टाइप की वैल्यू है, एक में फ्लोट टाइप की वैल्यू है. तो ये क्या करता है, देखिए पाइथन में क्या होता है, अगर आप वेरिएबल में वैल्यू देते हैं तो यहाँ पे बिना टाइप दिए इस टाइप से, देखिए यहाँ पे मैंने कोई टाइप डिक्लेयर नहीं कराया. जब यूजर से इनपुट ले रहा हूँ तो मैंने टाइप डिक्लेयर किया है यहाँ पे, लेकिन जब मैं यहाँ पे वैल्यू को यहाँ पे प्रोग्राम में डिफाइन कर रहा हूँ अगर मैं वैल्यू को, तो यहाँ पे मैंने देखिए टाइप नहीं लिखा है, डेटा का टाइप कोई भी टाइप नहीं लिखा है. तो पाइथन में क्या होता है, पाइथन में देखिए जो होता है वो और सी आप वैल्यू देंगे तो वो ऑटोमेटिक अपने अकॉर्डिंग वेरिएबल में उसके अकॉर्डिंग डेटा को स्टोर कर देता है. अब अगर आपको इसको चेक करना है कि टाइप क्या है वेरिएबल का, कि सपोज कहीं कोई वेरिएबल आपने यूज किया है और उसका टाइप चेक करना है आपको, तो यहाँ पे आपका यूज होता है टाइप फंक्शन, जो कि आपके डेटा का टाइप बताता है कि किस टाइप की वैल्यू उसमें वेरिएबल में पास की गई है. आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी. चलिए इसको प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं. चलिए देखिए, तो यहाँ पे मैंने अपना आइडियली ओपन कर लिया है, इसमें हम बनाते हैं अपना प्रोग्राम, उसको देखते हैं. तो इसे मैं सेव कर देता हूँ पहले. चलिए देखिए इसमें, तो इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, देखिए अब यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ कि मैं लेता हूँ a इक्वल, मैंने दिया 10 एंड b की वैल्यू लेता हूँ यूजर से. ठीक है, तो b की वैल्यू लेने के लिए क्या होगा, मुझे मैं यहाँ पे मैसेज दूंगा और मल्टी का टाइप बताऊंगा. मान लीजिए इसमें लेता हूँ फ्लोट टाइप की वैल्यू, फ्लोट, और यहाँ पे मैंने दिया इनपुट एंटर एनी फ्लोट वैल्यू. ठीक है, ये मैसेज मैंने यहाँ पे दे दिया है. इस वाले वेरिएबल के लिए मैंने बोला है कि यहाँ पे यूजर एंटर करे, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे ही दे दी. ठीक है, और एक वेरिएबल और लेता हूँ मैं, यहाँ पे लेता हूँ सी इक्वल, सपोज इसमें मैं स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, मैं यहाँ पास कर देता हूँ पाइथन. ओके, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग पास कर दी, डबल कोट या सिंगल कोट में जो भी होता है वो स्ट्रिंग होता है, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको. स्ट्रिंग पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उस पर आपको समझेंगे हम डेटा टाइप में, हम और अच्छे से समझेंगे इस चीज को. ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है ए, जिसमें कि इंटीजर टाइप की वैल्यू दी है, और बी बनाया है जिसमें कि मैं फ्लोट टाइप की वैल्यू यूजर से ले रहा हूँ. ठीक है, जिसमें कि मैंने टाइप यहाँ पर डिफाइन किया है, जिससे कि ये टाइप डिफाइन करने से क्या होगा, इस वेरिएबल में फ्लोट टाइप की वैल्यू जाएगी. ठीक है, फिर यहाँ पे इन सबको प्रिंट कर देते हैं. यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ मैं, प्रिंट मैं यहाँ कर देता हूँ प्रिंट ए, एंड यहाँ कर देता हूँ प्रिंट बी. ठीक है, यहाँ कर देता हूँ प्रिंट सी. तीन स्टेटमेंट दे दिया मैंने, तीनों की वैल्यू को प्रिंट कर दिया. ठीक है,
अभी इसको रन कराते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए रन कराया मैंने, तो देखिए रन कराने में वैल्यू मांग रहा है। अभी प्रोग्राम किस तरीके से वर्क कर रहा है इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं, इसमें हो क्या रहा है। प्रोग्राम में देखिए क्या है, एक ए नाम का वेरिएबल जिसमें वैल्यू मैं ऑलरेडी प्रोग्राम में डिफाइन कर चुका हूँ। अब बी की वैल्यू कोई डिफाइन की हुई है नहीं, बी की वैल्यू क्या है, यूजर से मांगी गई है। तो ए की ऑलरेडी डिफाइन है, तो ए के लिए हमें यहाँ पर कोई मैसेज नहीं दिया था हमने, कुछ भी नहीं है, ए की वैल्यू हम दे चुके हैं। अब बी के लिए हम मैसेज दिया हमने यूजर से मांगना, तो बी की वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी और सी की वैल्यू भी गिवन है। जैसे ही इसकी वैल्यू एंटर करूंगा क्या होगा, प्रिंट ए, ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देखिए मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे वैल्यू, सपोज मैंने एंटर करी 9, ठीक है, तो 9 एंटर करते हुए क्या आएगी, 9.0 आएगी। 9.0 क्यों आएगी, क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू है, ठीक है, ये पॉइंट में डिस्प्ले करेगा आपको, ठीक है, ये क्योंकि मैंने बता रखा है कि क्या हो, ये फ्लोट टाइप की ही वैल्यू एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पे अगर मैं 9 दूंगा, इंटीजर दूंगा, तो वो ऑटोमेटिक फ्लोट में ही इसको स्टोर करेगा। देखिए चेक करते हैं इसको, देखिए क्या हुआ, यहाँ पे 10 आया आउटपुट, फिर आपका 9.0 आया है, उसके बाद में पाइथन आया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस डेटा टाइप हम क्यों यूज करते हैं और इसका यूज क्या है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे फिर इसके बाद में टाइप फंक्शन। अब टाइप फंक्शन का यूज क्या होता है, देखिए, ठीक है, सी का टाइप जो है यहाँ पे मुझे पता नहीं है सी का टाइप क्या है। सपोज कि यहाँ पे आपको पता करना है सी का टाइप क्या है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट में हम लिख देंगे टाइप फंक्शन। जो टाइप फंक्शन हमारा होता है वो टाइप बताता है किसी भी वेरिएबल के डेटा का, कि मतलब उसमें क्या किस टाइप का डेटा स्टोर है, ठीक है। यहाँ पे टाइप फंक्शन लगा दिया मैं। अब देखिए मैं यहाँ पे जब प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ना करके इसका टाइप बताएगा। देखिए चेक करते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू एंटर कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये एंटर कर दी। अब देखिए नीचे जो सी के लिए क्या आ रहा है स्टेटमेंट, क्लास str, मतलब कि स्ट्रिंग टाइप का ये शो हो रहा है। देखिए इसका जो आउटपुट क्या आ रहा है, str, देखिए यहाँ पे आ गया str। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। तो ये चीज हमने देखी कि हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप की जरूरत क्यों होती है, डेटा का टाइप डिक्लेयर क्यों करते हैं, डेटा टाइप डिक्लेयर करने के, ठीक है, क्या एडवांटेज है डेटा टाइप डिक्लेयर करने के, और डेटा टाइप डिक्लेयर करने से क्या होता है, ये सारी चीज हमने देख ली। और हमने टाइप फंक्शन का यूज भी देख लिया, टाइप फंक्शन से क्या होता है, टाइप फंक्शन से जो भी वेरिएबल होगा उसका डेटा का टाइप आपको बता देगा, जिस टाइप का भी डेटा होगा। अब देखते हैं हम कौन कौन से डेटा टाइप आपके होते हैं, ठीक है, डेटा टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है, कौन कौन से टाइप के डेटा हमारे पाइथन सपोर्ट करता है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं हमारे। अब देखिए पहला है हमारा नंबर्स, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड बूलियन, फोर्थ लिस्ट, फिफ्थ है टपल, एंड सिक्स्थ है डिक्शनरी, एंड सेवेंथ इज सेट। तो ये जो है ये टाइप डेटा टाइप्स हैं आपके पाइथन में, और इन सभी डेटा टाइप को हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन, ठीक है। पहले हम नंबर्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर स्ट्रिंग को करेंगे, फिर बूलियन को करेंगे डिस्कस, एंड हम सारे डेटा टाइप को डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।